मोटर नर्मदा किनारे वाला इस श्रृंखला में हम हरदा जिले में आ गए हैं और दीपानेर घाट पर मौजूद है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब और बहुत बड़े दिलचस्प दृश्य हम आपको दिखाएं। देखिए, एक बड़ी सी बोट है जिसमें लोग सवार हैं, इसमें मोटरसाइकिल है और ऐसा हमें बताया गया कि इसमें कार तक चली जाती है, कार भी इसमें जाती है। क्या क्या चला जाता है इसमें? सर, इसमें टू व्हीलर के अलावा फोर व्हीलर चली जाती है, जीपें वगैरह। और एक बोट में कितने फोर व्हीलर चले जाते हैं? एक में लगभग पाँच से छः तक चले जाते हैं। पाँच से छः तक चले जाते हैं। एक और बोट हमें नज़र आ रही है दीपानेर घाट पर, दीपानेर घाट पर। और वो बोट जो है, उस बोट पर हमें कुछ लोक कलाकार भी नज़र आ रहे हैं। तो आइए हम आपको वहाँ लिए चलते। वोटर नर्मदा किनारे वाला की श्रृंखला में हम हरदा जिले में पहुंच चुके हैं और दीपानेर घाट पर मौजूद है। लेकिन एक दिलचस्प दृश्य अगर पीछे हम आपको जल्दी से रविकांत जी से कहें दिखाएं, एक बड़ी सी वहां जो नाव जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, ढेर सारे लोग हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल, और ये कहा जा रहा है कि उसमें कारें भी आ जाती हैं। और उसके आगे एक क्या, कितनी कार आ जाती हैं उसमें? सर उसमें लगभग जो है पाँच से छः जीपें आ जाती हैं और लगभग जो है 50-60 मोटरसाइकिल आ जाती है उसके अलावा। लोग 100 सवारी की उसकी कैपेसिटी होती है। 100 सवारी, 50-60 मोटरसाइकिल, मतलब आधा अलग अलग बता रहा हूँ मैं, मतलब उसकी कैपेसिटी 100 सवारी की। उसके बाद में आप इसको जैसे डिवाइड करके जो वाहन लेना चाहे वैसे ले सकते हैं, 5-6 फोर व्हीलर ले सकते हैं या बाइक ले सकते हैं या फिर खाली पैसेंजर ले सकते हैं। तो सब एक साथ भी आते हैं? एक साथ भी आते हैं, जैसे बाइक वाले आते हैं तो साथ में आते हैं। ठीक है। तो एक दिलचस्प दृश्य और दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें, कुछ लोक कलाकार, लोक गीत संगीत भी चल रहा है और नृत्य भी हो रहा है। तो आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं वहीं। तो बस हम इस बड़ी बोट के पास आ गए हैं और आइए अब आपको लिए चलते हैं ऊपर और लोगों से विवाद भी करेंगे और ये लोक नृत्य संगीत जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी दिखाएंगे। इस नृत्य के बारे में हम आपको बता दें, ये काठी नृत्य कहलाता है यहाँ का, और इसकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि इन कलाकारों को, लोक कलाकारों को का प्रदर्शन करने के लिए विदेशों तक बुलाया जाता था। लेकिन आज ये विलुप्त, ये कला जो है विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि ये कला धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बजा के दिखाइए थोड़ा सा। एक लोक संगीत मंडली के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, जय माँ नर्मदा मंडल छोटी दीपानेर, और ये लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं और इसी तरह इस तरह की बड़ी बड़ी बोट्स पर बजाते हैं। क्या सुनाओगे बताइए? बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बहुत ही अच्छा बजाते हैं। और देखिए यहाँ पर लोग कुछ मौजूद हैं, जोरदार तालियां इन लोगों के लिए हो जाए। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर दो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं इस इलाके में, इस ज़िले में, और उन दो में एक बीजेपी के पास, एक कांग्रेस के पास है। सरपंच जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सरपंच जी, ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर वोट डाले जाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दा है,
और यहाँ दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं हमारे संजय शाह जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं के सामने उनके भतीजा अजय शाह जी के लड़के अभी चाचा भतीजे की लड़ाई जी जी एक ही परिवार कैसे कैसे लोग कंफ्यूज तो लोगों में भ्रम पैदा तो नहीं होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विकास के विकास की ओर उनको वोट मिलेंगे हमारे संजय शाह जी को, उन्होंने ऐसे काम करा 128 किलोमीटर लगभग डामरीकरण सड़कें बनवाई है बिटमंडी विधानसभा में, उसके बाद में और भी विकास कार्य है, स्वागत गेट है, उसके बाद में जो जिम का जिम खुलवाया है। यहाँ की समस्याएं क्या है? यहाँ की वैसी कोई समस्या नहीं, समस्या है जो हल हो ही रही है धीरे धीरे और हो जाएगी उनके प्रयासों से। आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं पार्टी से, ऐसा नहीं आम जनता से आप पूछ लीजिए विकास के मुद्दे। आम जनता देखिए बताइए क्या क्या समस्या है? क्या समस्या है तो सर बहुत है, सबसे बड़ी तो आप पीछे देखे रेत का भंडार हो रहा है, ये यहाँ के विधायक की छत्रछाया में चल रहा है, शिवा कारपोरेशन जैसी कंपनी यहाँ पर अवैध उत्खनन कर रही है और बड़े बड़े व्यापक पैमाने पर उत्खनन कर रही है और इसीलिए यहाँ पर रोडों की हालत ये इसके कारण खराब हो रही है। और हाँ जी बताइए सामने जो बैठे हैं ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये ब्लॉक अध्यक्ष प्रदेश सचिव कांग्रेस के, इनकी इस छिपानेर के लगभग इनकी नर्मदा किनार पर इनकी जमीन है और ये ट्राली से 200 रुपए सर ट्राली प्रति ट्राली 200 रुपए और प्रति डंपर 400 रुपए ये लेते हैं, ये यदि ये इनकी जमीन में से नहीं निकलने दे तो रेत का उत्खनन नहीं होगा, इसमें ये इनके भी मिली भगत है, ये भी मिली भगत है इनकी भी। ठीक है आम लोग कौन है जो किसी पक्ष और पार्टी से जुड़े हुए नहीं है? सर आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए संदीप केकरे हैं जी। संदीप मैं अभी किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ पर ओवरऑल बताऊँ कि ये बीजेपी ने लास्ट 15 साल से बहुत ज़्यादा विकास किया है, सिर्फ एक दो प्रॉब्लम्स हैं जैसे नर्मदा उत्खनन इन्होंने उठाया है वो एक प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है किसानों को अपना माल बेचने के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ रही है, वो थोड़ा सा जो सरकार आएगी वो थोड़ा इस पर ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे किसानों ने इस बार उड़द की फसल जो बोई थी तो अभी उड़द कब बेचेगा किसान उसका अभी सरकार ने निर्धारित उसका समय नहीं किया है, अब बोनी का समय निकलता जा रहा है, किसान यूरिया DAP कब लेके आया, अपना खेत कब होगा, तो ये मतलब फसल बेचने और खरीदने में बिल्कुल इतनी निकम्मी है सरकार की, अब पूछो मत। ये जो वोट का ये चल रहा है, हम तो विगत 60 साल का भी अनुभव पहले का भी देखा और ये भी अनुभव देखा, अपन न पार्टीवाइज या कहीं में अपन निष्पक्ष वाले बात बता रहे हैं कि वास्तव में 15 साल में जो विकास हुआ वो 60 साल में नहीं हुआ। अभी आप सर एक बात बताइए सर, आप हमें थोड़ा हम चाहेंगे कि रविकांत जी दिखाएं भी, ये हम देख रहे हैं ये बहुत नर्मदा की दूरी जो एक छोर से इस छोर से उस छोर तक काफ़ी है और इस तरह की बोट पर मोटरसाइकिल कार लोग जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ब्रिज बनाने की पुल बनाने के सामने दिख रहा है आपको? ये ब्रिज बन रहा है यहाँ से, तो थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये ब्रिज बन रहा है सर, ये निमार के बाद ये हाँ बन गया है, पिलर बन गए हैं सर, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन सर, इसके 26 पिलर तैयार हो गए हैं और 17 स्लैब डल गई है, क्या है कि ये राजेंद्र शुक्ल का भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कम से कम हम 100 साल के हैं तो भी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ आज मध्य प्रदेश में ऐसा घाट कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ एक साथ 10-10 20-20 मोटर अपने ट्रक भी उतर बरसों से चले आ रहा है और कोई दुर्घटना नहीं हुई, इससे पहले निमार में जो दुर्घटना हुई थी उसके लिए हमारे घाट वाले ने बहुत काफी मदद करी। सर आप नर्मदा तट के थे, आप जो प्रचार कर रहे हैं इसके करीबी में जो बोलने चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं केवट समाज से हूँ और कोई सी भी पार्टी जीते हम उसी पार्टी को हक देंगे और उसी पार्टी को जवाब देंगे, ये कहना चाह रहे हैं कोई सी पार्टी आए सब साइड हो जाओ कि नर्मदा जी के तट के तजवान में आप केवट समाज जितने भी हैं उनको रोजगार काफ़ी दें, मछली पकड़ने का जो भी समस्या है आजकल क्या होता है रेत खदान चल रही है लेकिन हर व्यक्ति कोई भी हो रोक रहा है मजदूर है और जिसके बाद कोई सी भी सरकार आई अभी तक केवट समाज के लिए कोई सा कुछ नहीं किया है तो ऐसे समाज एक सेकंड ये आप ही की बात कहा केवट समाज की बात कर रहे हैं क्या समस्या है सर? हम लोग तो गरीब हैं कोई हमारे पास दूसरा उपचार तो नहीं, हम तो रेत ही भरते हैं लेकिन इधर से भी सब मीडिया वाले भी रोकते हैं नेताओं भी रोकते हैं, हम लोग को तो वही रोजगार है, ये तो उसको पूरा बंद करवा नहीं तो हमको रोजगार आता, लाखों करोड़ों लोग पल रहे हैं नर्मदा जी में रेत निकालने के लिए तो वो हाथ से निकाल रहे कोई मशीन से नहीं निकाल रहे, उसमें गड्ढा कितना कर पाएंगे वो इतना कर पाएंगे बस, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना? आप हाथ से निकाल जी हाँ हाथ से निकाल लेकिन ये अवैध है
अवैध है सर, लेकिन हमको तो अब वही मजदूरी बची है सर, मछली कोई मारने देते हैं डैम वाले उन बंद कर देते हैं हमको, हमको तो एक रोजगार वही बचा सर। कहाँ गए सरपंच जी? सरपंच जी आइए, 2 महीने का किलो सीजन रहता है उसमें मछली नहीं मारने देते, तो उसमें 2 महीने 4 महीने यूँ मजदूरी से भी बैठे रहते, किसान भी आजकल मजदूरी पे नहीं बुलाते, जिसके बाद नर्मदा मछली कौन मारता है? नहीं मछली कोई नहीं मारते, क्यों ऐसा क्यों? क्या 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 अगर 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 माँ नर्मदा में मछली है और वो उससे गरीबों का पेट भरता है, रोजगार चलता है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने आपकी एक सेकंड, आपने क्यों कुछ नहीं किया? क्या है 15 जून से 15 अगस्त तक मछलियाँ अंडे देती है, वो अंडे देती है मछलियाँ, उस 2 महीने के पीरियड में बंद रहती, बाकी 10 महीने ये मारते हैं, उसको सर्वे मान कर रहे हैं ना, पर इसमें हम मारते हैं 8 महीने मारते हैं, पर उसमें भी हमारा इतना कोई ज्यादा वो नहीं होता है, हमारी जाति जो है, हम जो जिस हैं जो कगार पे हैं, हम उन्नति के नहीं, हम कुछ भी हमारा रोजगार सही से नहीं मिल पा रहा है। बेचैलिए है ना, इनके जो बेचैलिए रहते हैं इनमें, वो बेचैलिए बीच में पैसा खा जाते हैं, इनको पूरा अच्छे से दाम नहीं मिल पाता मछलियों का जो ये निकालते हैं मछली, और रेत निकालना तो इनका इतना कठिन होता है कि लोग नर्मदा में डुबकी लगाते हैं नीचे और फिर उसमें से रेत भरते हैं, तगाड़ी में रेत भर के और फिर ऊपर निकाल के लेके आते हैं और फिर नाव में डालते हैं और फिर नाव से ले जाके उधर घाट पे ढेर लगाते हैं, फिर उसको ये बेचते हैं, तो इनको ज्यादा नहीं पैसा मिलता, खूब 2,000-1,500-3,000 इतना पैसा मिल पाता है, वो भी नहीं करने देते, चुनाव में कोई इससे पहले जो पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल थे उन्होंने रेत खदान का मुद्दा उठाया था, उन्होंने उठाया भी था इस मुद्दे को, कमल जो भारतीय जनता पार्टी से पहले राजस्व मंत्री थे और अभी उम्मीदवार है, जिसके बाद में जैसे भैया ने बताया अभी की बोलते रहिए, जिसके बाद में जैसे भैया ने बताया कि अभी अवैध खदान चल रही है जी, अब यहाँ पे इतना सारा टीला रहता है कि अपन जिस घाट से उस घाट को देखते थे ना, वैसे बड़ी छिपानेरे सामने दादाजी का आश्रम, तो वहाँ बड़ी छिपाने और अपन लोग दिखाई नहीं देती, करीबन 10-15 फीट ऊंचा ढेर रहता है, अब इसके बाद में जे अवैध या वेद में थी, मतलब इसको सब पूरी रेत उठा दी, तब तक इनको नजर नहीं आया, और आज ये 12 महीना से ये मजदूर मतलब केवट समाज जो निकाल रही है रेत इतने पानी में से, और जब इनको अवैध नजर आती है तब ये समस्या शासन की है, बाकी लेबर को हमारे को तो हमारा मेहनत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर हम हाथ से निकाल रहे हैं, मेहनत हाथ से कर रहे हैं, कोई मशीन से नहीं चला रहे हैं उसको, लेकिन वो भी रोक रहे हैं, जो मशीन से निकल रही है वो नहीं, मशीन नहीं चल रही है, कहाँ पे मशीन, वो क्या है? नहीं वो तो तंबू लगा हुआ है, वो कैसे हो रही है, कहाँ से कैसे निकल रही है वो, रहने के लिए तंबू है सर, मशीन वो रेत है सामने, हाँ वो हाथ से पटकी हुई सर, आप लोगों ने पटकी जी सर, हम लोगों ने पटकी हाथ से निकाल के, आप चाहते हो कि ये निकलते रहना चाहिए? जी सर जी सर, हम चाहते हैं, करोड़ों लोगों मजदूर पल रहे हैं यहाँ की जगह सर, सर मशीनों पर रोक लगा दी शासन ने और मशीन से नर्मदा जी में रेत निकाल भी नहीं सकते, हाँ, और ये लोग क्या बाहर से लेबर लाते हैं, आके बताइए, हाँ चलते रहिए बोलते जी, बाहर से लेबर लाके और ये सब बोर्ड वाले हैं, इनके पास बोर्ड है, बाहर के लेबर आते हैं और लेबर अपना जो है यहाँ भी 2-3 फीट पानी देता, वहाँ से रेत निकाल के अपनी ट्राली भर के और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। बाबा आइए, क्या नाम है आपका? मांगीलाल। मांगीलाल जी, हाँ बाबा, कब से रह रहे हो आप यहाँ? लाख जीवन से रह रहे हैं, बचपन 3-4 पीढ़ी। क्या आपने बदलाव देखा अभी तक? बदलाव कहीं नहीं, नहर खुद गई है और नहर 30-25 साल से खुदी है, पानी अभी तक पर्याप्त नहीं और वो का पैसा उपकार कर देना पड़ रहा है, अब कहाँ से करें, खेत सूखा पड़े। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहीं नहीं, धार की मजदूरी करे और कोई जगह भी नहीं मिलेगी जो ईंट बना कर तुम्हें समय पास कर लो, जगह भी नहीं दे रही गवर्नमेंट। आप वोट देते हो? हाँ जमानी वोट, तो हर साल वोट देते हो तो बोलते हो कि हमें ये चाहिए, बोला पर मुत्तेड़ी के हाँ देंगा फिर के दे, बस इस बार क्या उम्मीद है आप? अब आप उम्मीद का ही, अब शासन जो आप अच्छो करेगी तो अपन लोग चलना होता। गांव का रहने वाला हूँ, अभी हमने सोयाबीन की फसल बोई थी, उसमें एक सवेरा नाम का जो हथबो पाउडर मिला था बीज उपचार के लिए, उसमें सोयाबीन पूरी हथबो खराब हो चुकी और उसमें कोई हथबो कार्रवाई नहीं हुई ऊपर तक, और हथबो 50 एकड़ जमीन वो मेरी खराब हुई और मेरी साथ में और करीबन 2,000 एकड़ जमीन खराब हुई, उसमें आज तक भी कोई हथबो कार्रवाई नहीं की वो किसी ने भी, और हमको उसका हथबो कुछ भी लाभ नहीं मिला, वो बीमा मुआवजा वो कुछ नहीं मिल पाया,
ये से ये किसान भाई बोल रहे हैं, ये बात सत्य है कि काफ़ी नुकसान हुआ था सवेरा पाउडर से, और कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, केस लगाने के बाद में भी काम नहीं हुआ। किसानों के साथ अगर ऐसी कंपनियां धोखाधड़ी करेगी तो क्या होगा? दूसरी बात यह है कि अगर रेत उत्खनन की जो बात कर रहे थे, तो रेत से निर्माण होता और अगर रेत पर रोक लगा दी जाएगी तो निर्माण कैसे होगा? हाँ, ये ज़रूर है कि मजदूरों से ये भरवानी चाहिए, मशीनों से नहीं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें पंचायत स्तर पर रॉयल्टी सिस्टम चालू करा है, जिसमें अवैध उत्खनन भी रुकेगा और मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। अब जैसे विकास की बात करें अपन, तो विकास तो रेत से ही होगा, बट इनको, इन लोगों को देखना चाहिए, बीजेपी को या जो भी सरकार है XYZ, उनको देखना चाहिए कि ये व्यक्तिगत किसी को लाभ ना पहुँचाएं। जैसे अब ये भाई बता रहे थे ये कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का, तो ये तो सरकार को और भ्रष्ट अधिकारियों को इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। मेरी सीधी सी दो समस्या हैं, वो समस्या मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हरदा के अंदर 100 साल आज़ादी के जितने भी हो चुके, 70 साल, रेलवे लाइन इंदौर वाला जो रूट है वो रेलवे लाइन खातेगांव से बुधनी कन्वर्ट हो चुका है, हरदा नहीं आया, शिवराज जी ने अपने क्षेत्र में डाल दिया। अगर वो हरदा आ जाता तो हरदा को बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि हमारा हरदा के जितना भी धंधा जुड़ा हुआ इंदौर जुड़ा। सेकंड जो हमारा बड़ा मुद्दा है कि हम लोग किसान हैं और हमारे सबके जमीन जायदाद के सबके केस लगे हुए हैं। हमारे यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो यहाँ से 500-400 किलोमीटर दूरी पर, अगर इंदौर को जोड़ दिया जाए तो 150 किलोमीटर है, और ये मांग बहुत सालों से की जा रही है। ये लगातार एक जो बात उठ रही है, लेकिन आज तक ब्रिज की बात, वो आगे की ब्रिज बनना शुरू हो गया है और सामने खनन भी वहाँ पर हो रहा है, यानी कि रेत भी निकाली जा रही है। हम आज का हमारा वोटर नर्मदा किनारे वाले यहीं समाप्त करते हैं। कैमरामैन रविकांत के साथ लुमेश गौर और सईद अंसारी, हरदा आज तक।